भाई इस चैप्टर की जो पुरानी वेटेज थी ना, जो मेरी नॉलेज में, वो 5 नंबर की है, बट नई वेटेज हो सकता है इसकी कुछ और हो, लेकिन 5 नंबर की तो है इसकी वेटेज, 5 मार्क्स की इसकी वेटेज है। आप लोग सोचेंगे 5 मार्क्स तो कम होते हैं भाई, तो भाई मैं आपको बता दूं, कुल मिला के मुश्किल से पूरे चैप्टर में 2 टॉपिक है, बस सिर्फ 2 टॉपिक है, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, एक डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, बस कुछ नहीं पढ़ना है इसके अलावा, सिर्फ 2 टॉपिक, चैप्टर खत्म, इन्हीं 2 टॉपिक से 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। यहीं अगर आप सोचें कि रे ऑप्टिक्स ज़्यादा नंबर का है तो 9 मार्क्स का भले ही हो, लेकिन टॉपिक कितने पढ़ने शायद वो भी आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा टॉपिक है, बहुत हाई कंटेंट है, तब जाके उसमें 9 नंबर मिलते हैं, इसमें 2 टॉपिक पढ़ो 5 नंबर मिलेंगे। तो ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है डुअल नेचर। अब डुअल नेचर का मतलब होता है दोहरा स्वभाव। ओए इधर, ये चैप्टर बेसिकली इस बात के ऊपर है कि लाइट जो है, ये जो लाइट ट्यूबलाइट से आ रही है बेसिकली, ये वेव जैसे कैरेक्टर्स को फॉलो करती है या पार्टिकल जैसे कैरेक्टर को। वेव जैसा मतलब ये कि भैया लाइट एक तरीके से वेव की फॉर्म में है, वेव की फॉर्म में है, या फिर लाइट जो है पार्टिकल्स की फॉर्म में है। मतलब लाइट के पास ये वाला नेचर है, पार्टिकल नेचर है, या लाइट के पास बिल्कुल वेव जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है। और सोचा जाए तो लाइट के पास पानी जैसा स्वभाव है, पानी जैसे वेव की तरह होती है, पानी आता है और जहां रास्ता मिलता है साइड साइड से निकल जाता है, वेव जैसा कैरेक्टर है, या बुलेट लाइक कैरेक्टर होता है पार्टिकल जैसा। बुलेट कैसे होती है, बंदूक की गोली ऐसे निकली सीधी जाएगी, तो ये पार्टिकल टाइप का नेचर है। तो शुरुआत से ना इस बात पे साइंटिस्टों के बीच में लड़ाई थी कि लाइट के पास ये पार्टिकल्स वाले नेचर है, मतलब पार्टिकल की तरह है जैसे बुलेट्स होती हैं उसकी तरह है, या पानी की तरह वेव जैसी चीज़ होती है। तो इसके ऊपर बहुत, मतलब ये लगा लीजिए कि बहुत कई सालों तक ना इस पे कन्फ्यूजन चलती रही, और एक साइंटिस्टों का ऐसा खेमा था जो ये मानता था कि लाइट के पास कौन सा कैरेक्टर है, वेव कैरेक्टर है, और एक ऐसा खेमा था जो लाइट को ये बात मानने को तैयार था कि भैया ये पार्टिकल कैरेक्टर का होता है, वेव कैरेक्टर का नहीं होता। और इस बात को देखो भाई, दोनों साइंटिस्टों के जो खेमे थे, एक खेमा बोलता था कि वेव कैरेक्टर है, एक खेमा क्या बोलता था बोलो, पार्टिकल कैरेक्टर है। ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है, टीम ऑफ साइंटिस्ट। अब सुनिएगा, जो वेव नेचर वाले थे इनसे बोला गया कि भाई आप कुछ एविडेंसेस दिखाओ जिससे आप ये बता सको कि हाँ ये वेव नेचर का है। तो मैंने ना आप लोगों को अभी वेव ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ाया नहीं है, अदरवाइज वहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ लाइट को ना वेव की तरह मान के समझा गया है, और माना गया कि लाइट अगर वेव जैसी है तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स को प्रूव करके दिखाया गया, उसमें कुछ एक इंटरफेरेंस का है, इंटरफेरेंस है, उसमें डिफ्रैक्शन है, उसमें पोलराइजेशन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे रियल एविडेंसेस मिले जिससे साबित हुआ कि लाइट के पास कौन सा कैरेक्टर होता है, वेव कैरेक्टर होता है। कौन सा कैरेक्टर होता है बोलो, ये ऐसे एविडेंसेस उन्होंने दिखा दिए। इन साइंटिस्ट का नाम था हाइजिंस, जिन्होंने बहुत कुछ वेव्स के बारे में बताया, लाइट एक वेव कैरेक्टर की होती है, उन्होंने इसके बारे में बहुत चर्चा करी और ये साबित भी कर दिया कि लाइट के पास वेव कैरेक्टर होता है। लोगों ने मान लिया कि शायद लाइट के पास वेव कैरेक्टर ही होता होगा। फिर जो ये पार्टिकल कैरेक्टर वाली टीम थी ना, इन्होंने भी कुछ ऐसे इफेक्ट्स दिखा दिए लाइक क्रॉम्पटन इफेक्ट, और भी कुछ सारे इफेक्ट्स हैं जिसमें ये साबित हो गया कि लाइट के पास कौन सा कैरेक्टर है बोलो, पार्टिकल कैरेक्टर है। मतलब ये वाले बोल रहे थे पार्टिकल कैरेक्टर है, एविडेंसेस भी थे, ये वाले के साइंटिस्ट बोल रहे थे वेव कैरेक्टर है, एविडेंसेस भी थे। तो होगी ना अब तो भैया लड़ाई, दोनों के पास एविडेंसेस भी हैं, अब किसकी बात को माने। अच्छा, ऐसे में बीच में जो आइंस्टाइन है, अब आइंस्टाइन भी प्रूव करते हैं कुछ यहाँ पर, और आइंस्टाइन बोलते हैं कि देखिए यहाँ पर ये जो थ्योरी, एग्जैक्ट थ्योरी थी वो आइंस्टाइन ने समझाने की कोशिश करी और डी ब्रोगली ने। आइंस्टाइन क्या कहते हैं, कहते हैं लाइट के पास जो ये लड़ाई चल रही है, लाइट की पार्टिकल कैरेक्टर है, वेव कैरेक्टर है, ये मान के चले कि लाइट के पास दोनों कैरेक्टर है। और उन्होंने इस बात को ऐसे एक्सप्लेन करा, कहा कि जब तक लाइट के पार्टिकल्स, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था, आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था, और उन्होंने कहा कि देखिए लाइट ना, जब लाइट निकलती है ना, तब वो पार्टिकल कैरेक्टर की होती है, इसके वजह से पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बोलो क्या बुलाते हैं, फोटोन्स। और ये फोटोन्स क्या होते हैं बोलो, दीज आर नथिंग बट दीज आर द पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी। समझिएगा मेरी बात को। अब जैसे कि मैं यहां खड़ा हूं भाई, मैं आपको क्यों दिख रहा हूं बताओ जरा, लाइट की वजह से दिख रहा हूं, लेकिन मेरे पास तो कोई लाइट सोर्स नहीं है, मैं खुद का तो कोई लाइट सोर्स हूं नहीं, मैं खुद तो बल्ब नहीं हूं भैया, फिर मैं कैसे दिख रहा हूं आप लोगों को। देखिए मेरे आसपास जो ये लाइट जल रही है ना, इधर भाई तनीषा खुशी, समझना पड़ेगा इस चीज को, मेरे आसपास जो ये लाइट जल रही, थोड़ी सी थ्योरी है उसके बाद समझाऊंगा क्या चीज़ है, मेरे आसपास जो ये लाइट जल रही है ना,
इन लाइट से आ रहे हैं फोटोन्स. फोटोन्स यानी क्या बोलो, बंडल्स या पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी, पैकेट्स ऑफ. और ये जो बंडल्स है ना, ये आके जहां भी टकराते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जहां भी ये फोटोन, सुधांशु, सचिन, इस तरीके से आ जाएगा. समझ को मैं यहाँ बोल रहा हूँ, तू वहाँ अपनी बातें कर रहा है. आज आगे आ जा, छोड़ दे तू, उठ के आ जागे, बिल्कुल यहाँ बैठ मेरे सामने, छोड़ दे आज तेरी दोस्ती, आज दोस्ती छोड़ दे, आज यहाँ पर आ जा, तो एक दिन पूरा अलग बैठेगा तब तेरे को महसूस हो जाएगा. आ जा, आ जा. कल उन दो लड़कियों को बोला तो कहाँ गए, वो तो आज आई नहीं, मेरे को जैस्मिन और वो, वाह भाई वाह, उनको अलग बैठने को बोला, वो कह रहे घर पर बैठ जाएंगे साथ में. नहीं, बच्चे कह रहे थे हम बात नहीं करेंगे आगे. आगे दोस्त मिल गया, उससे आते ही पूछ रहा कैसा है, पिटेगा आगे, ध्यान रखे और तेरे. तो भैया बात क्या है ना, ये लाइट अभी चल रही है, इन लाइट से बोलो क्या आ रहे हैं, फोटोन्स आ रहे हैं. फोटोन्स मतलब जैसे पानी के गुब्बारे हैं, है ना, ये बस लाइट के गुब्बारे हैं. मैं पानी के गुब्बारे ऐसे पकड़ के सचिन के सर पे मारूं तो क्या होगा, फूटेगा वहां से, पानी निकलेगा. तो वैसे ये जो फोटोन्स हैं, वैसे जो ये फोटोन्स हैं, ये फोटोन्स जब टकराते हैं किसी इंसान से, किसी इंसान से ये फोटोन टकराते हैं, तो मुझे बताओ जरा क्या होता होगा. जैसे ही फोटोन फूटता है बोलो, उसमें से क्या निकलती है, लाइट वेव्स निकलती है. क्या निकलती है बोलो, समझो मेरी बात को. अब जैसे ही मेरी पूरी बॉडी में फोटोन्स फूटे तो मुझसे क्या निकली बोलो, ये वेव्स निकली. उन वेव्स, वो जो लाइट वेव्स थी, वो आप लाइट एनर्जी जो थी वो आपकी आंखों में गई, रेटिना ट्रेस करा कहां से आई, तो अरे वेट टकरा के तो मुझसे गई है ना, वो तो मेरे से ही निकली है वो, तो आप देखते हो ट्रेस करके आपको मैं दिख जाता हूं. अरे होता है कि नहीं होता, आपको कोई भी चीज़ क्यों दिख रही है, आपको मैं क्यों दिख रहा हूँ, आप सभी मुझे देख रहे हैं, और जितने भी फोटोन्स मुझ पर फूट रहे हैं ना, उनकी लाइट आपके रेटिना पर जा रही है, रेटिना ट्रेस कर रहा है कहाँ से आ रही है, तो आपको मैं दिख रहा हूँ. अभी उस दीवार को देखो, दीवार क्यों दिख रही है, क्योंकि दीवार पर भी फोटोन फूट रहे हैं, फोटोन फूट रहे हैं तो लाइट वहां से आ रही है. अभी बताओ आप मेरे को देख रहे हैं, यहां से वाली दीवार नहीं दिख रही होगी, ऐसे नहीं दिख रहा होगा, कोई बहंगा ना हो बस क्लास में, कंडीशन है भाई. अगर मान लो यहाँ बैठे हो मुझे देख रहे हो, तो वो क्यों दिख रहा, क्योंकि उस पर जो फोटोन्स फूट रहे हैं, उसकी जो लाइट आ रही है, वो आपकी आंखों में एंटर नहीं हो पा रही, तो रेटिना उसको कैसे ट्रेस करेगा. हाँ, कुछ की आँख बिल्कुल ऐसे हो तो फिर वो उसकी रेटिना ट्रेस कर लेगा. बात समझने वाली बात है, नहीं आ रही मेरी बात समझ. एक सिंपल सी बात है, तो आइंस्टाइन ने एक बड़ा सिंपल सा फंडा लगा दिया. आइंस्टाइन ने कहा पार्टिकल के लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है. जब तक लाइट किसी चीज़ से हिट नहीं करती, तब तो उसके पास कौन सा नेचर है, बोलो पार्टिकल नेचर है. आफ्टर हिटिंग विद समवन, वो पार्ट वेव करेक्टर में आ जाती है. तो कुछ जो साइंटिस्टों ने इसके पार्टिकल बिहेवियर को दिखाया, वो भी करेक्ट है, हो जाएंगे एविडेंस से प्रूव, क्योंकि पार्टिकल नेचर भी था. और कुछ ने वेव नेचर दिखाया, तो वो बाद का दिखा होगा वेव नेचर. तो इसे दोनों एविडेंसेस मिले और मान के चला गया भाई, लाइट के पास जो होता है वो दोनों तरह का स्वभाव होता है. मतलब रेडिएशंस के पास डुअल बिहेवियर होता है, डुअल बिहेवियर होता है. आप इस लाइन को ना गलत पढ़ते हैं, लाइन ही गलत पढ़ते हैं, आप लोग इस चैप्टर की लाइन को गलत पढ़ते हैं. अभी से मैंने रेडिएशन समझाया, रेडिएशन मतलब लाइट एनर्जी, इट हैज डुअल नेचर. डुअल नेचर मतलब उसका दोहरा स्वभाव है. रेडिएशन के पास पार्टिकल वाला स्वभाव भी है और वेव वाला स्वभाव भी है. और बाद में जाके डी ब्रोगली कहते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब आप जैसे पार्टिकल जो होते हैं, आपके पास पार्टिकल वाला स्वभाव तो है ही, साथ के साथ वेव वाला स्वभाव भी है, जिसको हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में पढ़ते हैं. मतलब मैटर और रेडिएशन दोनों के पास ही ना दोहरे स्वभाव होते हैं, दोहरा स्वभाव होता है. रेडिएशन के पास यानी लाइट के पास पार्टिकल स्वभाव भी है और रेडिएशन स्वभाव भी है, वेव वाला स्वभाव भी है. सिमिलरली पार्टिकल के पास पार्टिकल वाला स्वभाव तो है ही और वेव वाला स्वभाव है, जिसको डी ब्रोगली वेवलेंथ करके आप लोगों ने पढ़ा था, दैट एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद सम वेव लाइक करेक्टर विच इज इक्वल टू लैम्डा इज कॉल्ड स्ट्रेच अपॉन एमवी. वो चैप्टर में पढ़ेंगे, ऐसे तो मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा सकता नहीं बोलते बोलते, लेकिन आपको बस ये समझना है, चैप्टर इस बात पर लड़ाई कर रहा है, पूरे चैप्टर में इसी बात पर रहेगी भैया चीज़ें, कि हमारे रेडिएशंस के पास जो होता है वो पार्टिकल करेक्टर भी होता है, वेव करेक्टर भी होता है. पार्टिकल्स के पास भी पार्टिकल करेक्टर भी होता है और वेव करेक्टर भी होता है, सबके पास दोनों स्वभाव होता है. क्लियर है कि नहीं? अब चलो कोई नहीं, अब ये सब तो मैं वैसे थ्योरेटिकल बात कर रहा था, यहाँ से कुछ नहीं आता एग्जाम के अंदर, एग्जाम में आएगा, यहाँ से जाना मैं शुरू कराऊंगा. अभी मैं आपको ना आज की क्लास में एक ही चीज़ सिखाऊंगा बहुत अच्छे से, मुझे बस पहली क्लास में वही सिखाना होता है, क्योंकि अगर वो समझ में आ गया ना, तो चैप्टर के अंदर जहाँ से बिल्कुल मुश्किल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन निकल के आने हैं, वो वाली चीज़ पकड़ जाओगे तुम. मतलब आज की क्लास अगर आप लोगों ने ढंग से नहीं समझी, तो अगली वैसे भी समझ में नहीं आने वाली, बिल्कुल ख़राब हो जाएगी भाई. तो तुम मुझे बस ये बताओ, पहले कुछ चीज़ें मुझे बताना ज़रा फटाफट से, क्या तुम लोग ये बात जानते हो क्लास, सही बच्चे, कि एक लाइट के पास या कोई भी वेव के पास अपनी क्या होती है बोलो, फ्रीक्वेंसी. बहुत बार बता चुका हूँ यार, मुझे बताना इस वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या इस वेव की, जल्दी जल्दी करते हैं इसको. अरे बोलो, नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी बोलो क्या है ज़्यादा, अरे नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी बोलो क्या है ज़्यादा. पिटोगे भाई, ये देख लो, वेव नंबर वन एंड दिस इज वेव नंबर टू, दिस इज फ्रीक्वेंसी नंबर वन, फ्रीक्वेंसी नंबर टू.
ये अभी हम EMBA में डिस्कस कर रहे थे शायद ना, मैंने उधर बताया था यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ वगैरह कुछ है ना। तो एक बात बताओ जरा, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है बोलो, दूसरे वाले की। वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? बहुत बार बता दिया यार, इसका मतलब तुम्हें आता ही है। वेवलेंथ इसकी भाई ऐसी लैम्डा 1 है और इसकी वेवलेंथ बोलो कितनी है? लैम्डा 2 है। बोलो भाई वेवलेंथ लैम्डा 1 इसकी। सचिन सही है, फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है लेकिन वेवलेंथ इसकी। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी वेवलेंथ ज्यादा। वेवलेंथ होती है एक वेव की लेंथ, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी वेवलेंथ कम होगी। हाँ भाई इधर मान्या गीतांजलि यहाँ पर लिखा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के? और एक बात इन सब में सेम होती है वो क्या? तुम तो कह रहे हो आता है। एक चीज इन सब में सेम होती है क्या? स्पीड ऑफ लाइट। इन सब की जो स्पीड होती है वो क्या होती है? सेम होती है। मतलब एक फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा, म्यू इज इक्वल टू बोलो क्या? सी बाय में लैम्डा। कुछ नहीं पढ़ाना है ऐसा? अरे तुम पढ़ने लग जाओ भाई, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। बिल्कुल सही बता रहा हूँ। ऐसा मैंने आप लोगों को लास्ट टू लास्ट क्लास कुछ मैंने ये वेव्स की सातों वेव्स कराई थी। उन सातों वेव्स में फर्क क्या था बताओ? गामा की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है। गामा की फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है, रेडियो की, रेडियो की फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है। गामा की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है। तो इनवर्स रिलेशन होता है, लेकिन दोनों में एक चीज सेम होती है, बोलो क्या? स्पीड। तो कहते हैं कि जिन वेव्स की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है वो तो इनवर्स रिलेशन में होती है, बट इन सभी वेव्स के बीच में एक चीज सेम होती है, वो होती है इनकी स्पीड, विच इज इक्वल टू सी, विच इज इक्वल टू सी। सबका स्पीड सेम होता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि यार ये भी बराबर दूरी तय कर रही है, वो भी बराबर दूरी तय कर रही है? मैंने इसका रीजन बताया था आप लोगों को। देखो वो भले ही कम फ्रीक्वेंट है, कम बार ऑसिलेट करती है, लेकिन बड़े बड़े कदम रखती है। ये वाली भले ही छोटे कदम रखती है लेकिन ज्यादा कदम रखती है। दूरी कैसी तय कर देंगी? बराबर समय बराबर लेंगी। नहीं आया ना समझ में? ओ भाई जल्दी बोलो यार, ये तो आसान सी चीज़ है यार। दूसरी चीज मुझे बताओ जरा, क्या तुम लोगों को ये फॉर्मूला पता है? अरे क्या तुम लोगों को ये फॉर्मूला पता है कि किसी भी रेडिएशन की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? पता ही नहीं होगा सर किसी भी। चलो इसकी इसकी एनर्जी ज्यादा है या उसकी एनर्जी ज्यादा है? सर नीचे वाले की एनर्जी ज्यादा है सर, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी भी ज्यादा। हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द एनर्जी। किसकी आपको एनर्जी ज्यादा लगी देखने से बताओ ना, इसकी एनर्जी ज्यादा लगी या इसकी एनर्जी ज्यादा लगी? इसकी ना सर, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी। और दूसरी बात बच्चों, हमने ये पाया, प्लैंक्स ने ये पाया कि एनर्जी का मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं था। एनर्जी जो थी फ्रीक्वेंसी से हमेशा एच टाइम्स, एनर्जी जो थी फ्रीक्वेंसी से हमेशा एच टाइम्स ज्यादा थी। एच क्या था बोलो? प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल टू 6.626 × 10 की पावर कितना? हालांकि मुझे ये सब बताना नहीं चाहिए क्योंकि ये सब मैं बहुत पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँगा, कभी 11th में भी डिस्कस करा होगा, फिर 12th में भी डिस्कस करा होगा, तीसरी चौथी बार डिस्कस हो रही है ये चीज़। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि एक वेव की एनर्जी कब ज़्यादा होती है? जब उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। लेकिन एनर्जी और फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड वाइज बराबर नहीं होती है। एनर्जी हमेशा फ्रीक्वेंसी से कितने गुना फालतू मिलती है? 6.626 × 10⁻³ टाइम्स मिलती है। मींस एनर्जी इज ऑलवेज एच टाइम्स ऑफ म्यू। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया पसंद में? और इसी को तुम क्या लिख सकते हो बोलो? किसी रेडिएशन की एनर्जी वेवलेंथ से कैसे रिलेटेड होगी? म्यू को लिख सकते हो एच सी बाय लैम्डा। किसी भी बच्चे को इन सभी फॉर्मुलों में कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी बोलो। दो फॉर्मुले याद करो, एक याद करो म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा और एक याद करो ए इज इक्वल टू मै एच, नहीं ए इज इक्वल टू मै एच सी बाय लैम्डा। और मीनिंग समझ में आता है कि नहीं आता इनका? जल्दी बताओ भाई, क्योंकि फिर मैं तुम लोगों को वो चीज़ सिखाऊंगा इस चैप्टर की आज, जो आपको इस चैप्टर में किसी भी कीमत पर आनी चाहिए अगर चैप्टर को ढंग से समझना है तो। और वो चीज़ आपको आनी ही चाहिए आज की क्लास में, जो समझ में नहीं तो नेक्स्ट क्लास कुछ समझ में नहीं आएगी आप लोगों को। लेकिन मुझे तुम बताओ पहले, तुम ये समझ में आ गया? चलो अब आते हैं असली चीज पे, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है भाई, आप लोगों को ढंग से देखना भाई बोर्ड पे। मैं पहला केस देता हूं बच्चों, मेरे पास एक 60 वॉट का रेड बल्ब है और मेरे पास एक 100 वॉट का रेड बल्ब है। क्या फर्क होता है दोनों में? एक 60 वॉट का रेड बल्ब है, एक 100 वॉट का रेड बल्ब है, क्या फर्क होता है? पावर मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम भाई, वॉट का मतलब ही होता है जूल पर सेकेंड, जूल, इसी का तो तुम वॉट बोलते हो। मतलब कि ये जो 60 वॉट का रेड बल्ब है ना, ये आपको एक सेकेंड में 60 जूल की रेड एनर्जी देगा, लाइट एनर्जी देगा। और वो वाला बोलो एक सेकेंड में 100 जूल, तो ज्यादा ब्राइटनेस किसकी होगी? ज्यादा ब्राइटनेस उसकी होगी। लेकिन ढंग से समझना, सिर्फ इतनी सी बात नहीं बतानी इस टॉपिक में, इस टॉपिक में कुछ बहुत जबरदस्त चीज बतानी है।
और मैं पूरा कराने के बाद आपसे कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस पूछूंगा। मैं भी रेड के बारे में बता रहा हूँ, फिर मैं किसी और कलर के बारे में आपसे पूछूंगा, इसे ढंग से समझ लेना। तो रेड बल्ब की 60 वॉट है, और सॉरी उसकी ये 60 वॉट का रेड बल्ब है, 100 वॉट का रेड बल्ब है, दोनों से बोलो क्या आ रहे होंगे, दोनों से बोलो क्या आ रहे होंगे, फोटोन्स, दोनों से ही फोटोन्स आ रहे हैं भाई, ध्यान दीजिएगा, इससे भी फोटोन्स आ रहे हैं, इससे भी फोटोन्स आ रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात है बच्चों, वो ज्यादा ब्राइट क्यों है, क्या उसके पास फोटोन ज्यादा है, ये क्या उसके पास बोले कि एक फोटोन की एनर्जी ज्यादा है, क्या चीज है भाई। तो समझते हैं बच्चों, हमारे पास जो लाइट होती है उस लाइट के पास बोलो क्या होते हैं, सब बच्चे बताओ, एक लाइट के पास बोलो क्या होते हैं, फोटोन्स होते हैं, आपने पढ़ा एक लाइट के पास क्या होते हैं, ध्यान से सुनना भाई, एक लाइट के पास होते हैं फोटोन्स, एंड एवरी फोटोन, इस फोटोन का मतलब क्या होता है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द बंडल ऑफ लाइट एनर्जी, द पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी, तो इसके अंदर है तो लाइट एनर्जी ना, है तो वेव ही ना एक तरीके की, तो इनकी जो एनर्जी होती है, एक फोटोन की एनर्जी बोलो कितनी होती है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू एच न्यू, ई इज इक्वल टू, दैट इज एनर्जी ऑफ द वन फोटोन इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू एच न्यू। तो मेरे पास अगर दूसरा फोटोन है तो उसकी भी कितनी है बोलो, दूसरे फोटोन की भी कितनी है बोलो, एच न्यू, तीसरे फोटोन की भी कितनी है, एच न्यू, और अगर मेरे पास एन फोटोन है, कितने फोटोन है, एन फोटोन है, तो नेट एनर्जी बोलो कितनी होगी, एन एच न्यू, क्या होगी बोलो। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, फ्रीक्वेंसी किस बात पे डिपेंड करती है, कलर पे, किस पे डिपेंड करती है बोलो, अगर लाल कलर है तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, और अगर बच्चों ब्लू कलर है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अलग। तो मुझे एक बात बताओ, लाल कलर के जो फोटॉन्स निकलेंगे, खुशी यहां पर, रेड कलर की लाइट से जो फोटोन निकलेंगे, मैंने बोला हर फोटोन की एनर्जी बोलो कितनी होती है, एच नहीं होती है, क्योंकि लाल कलर की फ्रीक्वेंसी अलग होती है और रेड कलर की, सॉरी लाल कलर की फ्रीक्वेंसी अलग होती है और ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, तो उन दोनों के जो फोटोन्स होते हैं उनकी भी एनर्जी अलग अलग होती होगी, नहीं होती होगी, जल्दी बताओ मुझे, क्योंकि सर एक फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या है निखिल, एक फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बोलो, एच न्यू, एन फोटोन्स की एनर्जी का फॉर्मूला बोलो क्या है, एन एच न्यू। नेट एनर्जी किसी भी लाइट की, मतलब नेट इंटेंसिटी कितनी ब्राइट होगी कोई लाइट, वो डिपेंड करती है कितने फोटोन्स हैं और हर फोटोन की एनर्जी कितनी है, दो बातों पर, सुन लीजिए दोबारा से, ये लाइट कितनी ब्राइट है ये दो बातों पर डिपेंड कर रही है, एक तो इसके हर फोटोन की एनर्जी कितनी यानी एच न्यू, और कितने फोटोन्स ही रिलीज कर रही है। अरे नहीं समझे मेरी बात को, तो मैं समझाने के लिए यहाँ पर इसमें क्या करता हूँ ना, ध्यान से सुनिएगा यार, ये समझना पड़ेगा बहुत ढंग से। मुझे बताओ ये कलर भी लाल है और ये कलर भी लाल है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम होगी। अच्छा अगर फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो आदर्श क्या सेम होगा, दोनों के फोटोन की एनर्जी बोलो क्या होगी, एच न्यू, इसके फोटोन की एनर्जी भी क्या होगी, सेम क्यों होगी आदर्श, क्योंकि सर दोनों का कलर लाल है तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो दोनों की एच न्यू भी क्या होगा, सेम, बस दोनों के पास जो फोटोन है उनका एनर्जी बोलो क्या है, सेम। फिर लेकिन वो ज्यादा ब्राइट क्यों है, वो ज्यादा ब्राइट है, बहुत अच्छा सर, फोटोन्स की एनर्जी तो सेम है, लेकिन सर ये कहाँ कहा कि सर फोटोन सेम है, सर इसके पास भी मान लो एक जूल का फोटोन है, उसका भी एक फोटोन एक जूल का ही है, लेकिन अगर इसके एक सेकंड में 60 फोटोन निकल रहे हैं और उसके एक सेकंड में 100 फोटोन निकल रहे हैं, तो वो एक सेकंड में 100 जूल की ब्राइटनेस देगा और एक सेकंड में 60 जूल की ब्राइटनेस देगा। रितिका नहीं आई बात समझ में, दोबारा समझते यही समझना है सर, 60 वॉट की रेड और 100 वॉट की रेड में क्या फर्क है, क्या फोटोन्स की एनर्जी का फर्क है, क्या एक फोटोन की एनर्जी का फर्क है, नहीं सर, फोटोन की एनर्जी तो एच नहीं होती है, दोनों ही कलर लाल हैं तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी सर, दोनों का एच नहीं भी क्या होगा, सेम सर, दोनों के फोटोन की एनर्जी भी क्या होगी, सेम। एक बात आप मान के चल सकते हैं सर कि अगर इसके एक फोटोन की एनर्जी एक जूल है, लेट इट बी दिस एनर्जी ऑफ वन जूल, दिस इज द एनर्जी ऑफ वन जूल, वन जूल एनर्जी एक फोटोन की है, तो दोनों के फोटोन की एनर्जी सर सेम होगी, लेकिन फिर वो ज्यादा ब्राइट क्यों है सर, क्योंकि सर यहां पर एक सेकंड में हो सकते हैं कितने फोटोन निकल रहे हो, 60 फोटोन इन वन सेकंड, या 60 फोटोन पर सेकंड, और यहां पर कितने फोटोन निकल रहे हैं बोलो, यहां 100 फोटोन निकल रहे हैं, 100 फोटोन निकल रहे हैं, ज्यादा फोटोन निकल रहे हैं, तो मुझे बताओ ना अगर यहां पर 100 फोटोन निकल रहे हैं बच्चों, ध्यान दो ना, यहां पर 100 फोटोन निकल रहे हैं पर सेकंड, तो एक सेकंड में यहां पर कितनी एनर्जी निकलेगी बोलो, 100 जूल की, क्योंकि इसका मतलब ही क्या होता है बोलो, 100 वॉट का मतलब क्या होता है, 100 जूल पर सेकंड, 60 वॉट का मतलब क्या होता है, 60 जूल पर सेकंड। तो अगर कोई आपसे बोलेगी बताओ 60 वॉट की और 100 वॉट की रेड बल्ब में क्या फर्क होता है, क्या फोटोन्स की एनर्जी का फर्क होता है, आप कहेंगे नहीं नहीं सर, फोटोन की एनर्जी दोनों में सेम होती है, फिर वो ज्यादा ब्राइट क्यों होता है, क्योंकि सर फोटोन की एनर्जी भले ही सेम होती है लेकिन इसके बाद फोटोन्स कम होते हैं, और इसके फोटोन जब ज्यादा फोटोन होंगे तो ऑब्वियसली बात है ब्राइटनेस भी क्या होगी, ज्यादा की ज्यादा फोटोन फूटेंगे कहीं पर तो ब्राइटनेस ज्यादा निकलेगी, क्लियर होता है कि नहीं होता भाई। तो तुम सब बच्चे मुझे एक बात बताने की कोशिश करो, इसकी जो नेट एनर्जी है वो तुम लोग कैसे डिटरमाइन कर रहे हो पहले वाले की, तो बोल रहे हो सर एक फोटोन की एच न्यू है लेकिन फोटोन्स की संख्या एन वन है, इसकी बोलो कैसे बोल रहे हो बोलो, एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू ही है लेकिन फोटोन्स बोलो कितने हैं, एन टू है, और क्या बोलोगे बोलो, हेयर इस सिचुएशन में एन टू एन वन से बड़ा है, एन टू एन वन से नंबर ऑफ फोटॉन्स इन द सेकंड केस इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन द फर्स्ट केस,
वाई वी से इज इक्वल्स टू में एन एच न्यू, क्योंकि सर एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ द वन फोटोन एंड एन फोटोन्स वी इफ वी हैव एन फोटोन्स द नेट एनर्जी विल बी एन एच न्यू, द नेट एनर्जी विल बी इन द गिवन केस द एच न्यू फॉर द टू लाइट्स इज सेम सर, क्योंकि कलर सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, एच न्यू सेम होगा, फोटोन्स की एनर्जी सेम होगी सर। लेकिन सर इसके पास फोटोन्स की संख्या थोड़ी ज्यादा है, इसके पास फोटोन की संख्या थोड़ी, वो एक सेकंड में 100 फोटोन निकालता है, एक सेकंड में 60 फोटोन निकालता है, तो सर वो ज्यादा ब्राइट होगा और ये कम ब्राइट होगा सर, क्योंकि इसका एन टू ज्यादा है, एच न्यू दोनों का ही बोलो क्या है सेम, लेकिन क्योंकि इसका एन टू ज्यादा रह गया इसलिए सर ई टू भी क्या हो गया ईवन से ज्यादा, सेकेंड लाइट इज मोर ब्राइटर देन 100 वॉट बल्ब इज मोर ब्राइटर देन 60 वॉट रेड बल्ब। एंड इट इज ड्यू टू द या छोड़ो इसको मत लिखो, आप लोग समझ जाओगे क्या है, नहीं आ रही बात समझ पक्का। तो ये था बच्चों मेरा केस नंबर वन जो मुझे तुम्हें समझाना था, मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा भाई। सेकंड केस इज मोर इंटरेस्टिंग, सेकंड केस क्या है बच्चों सुनो, एक बल्ब मेरे पास 60 वॉट का रेड बल्ब है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोग बच्चों बताओगे, तुम इस बार मदद करोगे, और अगले वाला जो है वो 60 वॉट का ब्लू बल्ब है, लाइट इससे भी निकल रही है, लाइट इससे भी निकल रही है। पहले तो ये बताओ कि ब्राइटनेस दोनों में से किसकी ज्यादा होगी, ब्लू वाले की, क्या ही बात है, कितने के अकॉर्डिंग रेड वाले की ब्राइटनेस ज्यादा है, रेड वाले की ब्राइटनेस कितने के अकॉर्डिंग ब्लू वाले की ब्राइटनेस ज्यादा है, ब्लू वाले की, बस ठीक है। और कुछ इसके अलावा आंसर, ये भी है क्या, अच्छा एक बात बताओ यार, ये 60 वोट है वो भी 60 वोट है, सेम भी हो सकती है, अरे यार सुनो 60 वोट का मतलब है 60 जूल इन वन सेकेंड, 60 जूल ऑफ लाइट एनर्जी इन वन सेकेंड, 60 वोट का मतलब है 60 जूल ऑफ लाइट एनर्जी इन वन सेकेंड सर, दोनों की एक सेकेंड में लाइट एनर्जी 60 जूल की जा रही है सर, दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी, इंटेंसिटी सेम होगी सर, आशीष सही बोल रहा है, सेम ही होगी। लेकिन सर सोचने वाली बात है वो सेम कैसे हो गई, बादल कुछ बताएगा, बादल बोलना चाह रहा है कुछ, बादल बता भाई, सही बोल रहा है, ढंग से बताया यार, ऐसे नहीं ऐसे सबको समझ में आना चाहिए, ओके थोड़ा और सही से बताया, तो रेड के बारे में सही बोल दिया, वो ब्लू के बारे में ऐसे हवा में चला दिया, सुनना अच्छे से सुनना भाई क्या बोल रहा है, सुनना वो कहना चाह रहा है कि दोनों की एनर्जी एक सेकंड में सेम ही निकलेगी सर, दोनों ब्राइटनेस बराबर होगी, लेकिन वो बता रहा है कैसे, हाँ बादल कम है, अब रेड की, अबे यार तू तो बोलने में इतना कंजूसी कर रहा है ना, जैसे बोल देगा तो क्या हो जाएगा, जैसे बता समझे कुछ, कोर बचा और अच्छे से बताना, फ्रीक्वेंसी की बजाय एनर्जी की बताना, हाँ ड्रॉप इसकी सुनो, रेड वाले की एनर्जी कम होगी, ओए रेड वाले की फोटोन की एनर्जी कम होगी, फोटोन्स के नंबर ज्यादा होंगे, कितनी बढ़िया बात है, हो सकता है बराबर एनर्जी, हो सकता है बराबर एनर्जी, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा शुरू में ही सोच लिया, वेरी गुड। देखिए दोनों की ब्राइटनेस सेम है, लेकिन सोचने वाली बात है सर, ब्राइटनेस सेम कैसे हो सकती है सर दोनों की, अरे क्लास इधर तनिष इधर देखो सर, ऐसा ऐसे हो सकता है क्योंकि सर एक बल्ब रेड है और एक बल्ब ब्लू है, तो सर एक बात तो पक्की है इस बार, जब कलर सेम नहीं है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम, और जब फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है सचिन तो एच न्यू भी सेम, तो इसका मतलब इसके फोटोन की एनर्जी अलग होगी उसके फोटोन की एनर्जी, इसके फोटोन की एनर्जी एच न्यू वन होगी उसके फोटोन की एनर्जी एच न्यू टू होगी, बोलो मानते हो कि नहीं मानते सर, इस बार पर फोटोन एनर्जी सेम, इसके फोटोन की एनर्जी अलग है उसके फोटोन, अच्छा किस किससे ज्यादा होगी यार, इतना तो तुम लोग पढ़ गया है ना, विबग्योर होता है
विबग्योर में तुम लोगों को पता होगा इस तरफ क्या ज्यादा होती है वेवलेंथ और इस तरफ क्या ज्यादा होती है फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी ब्लू वालों की ज्यादा होती है, तो इसका मतलब ब्लू वालों के फोटोन्स की एनर्जी क्या होगी ज्यादा। अगर रेड वाले फोटोन 1 जूल के हैं, कितने जूल के बोलो? यहाँ इसी बात को समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ क्लास, पूरी चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज करा रहा हूँ। आपको लग रहा होगा मजाक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये कुछ नहीं करते। ये पता क्या करते हैं, कहते हैं एक बार 60 वोट का रेड बल्ब ले रहे, एक बार 80 वोट का, एक बार 100 वोट का, बताओ क्या क्या बदलाव आएंगे। फिर अगली बार बोलेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं कर रहे, एक बार 60 वोट का रेड बल्ब ले रहे हैं, फिर एक बार 60 वोट का येलो ले रहे हैं, फिर एक बार 60 वोट का ब्लू ले रहे हैं, ऐसे बदलते हैं। और फिर ग्राफ्स पूछता है, कंडीशंस पूछता है, चेंजेस पूछता है, काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज है, इसमें क्या चेंज है, उसमें क्या चेंज है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो मुझे पहले बताता हूँ कि बल्ब की कलर चेंज करने से या बल्ब की ब्राइटनेस मतलब इंटेंसिटी चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है, इसको समझना पड़ेगा मुझे। तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा, 60 वोट का रेड, 60 वोट का ब्लू, ए इधर भाई, तो दोनों की जो एनर्जी निकल रही है एक सेकंड में बराबर निकल रही है। लेकिन सोचने वाली बात है सर बराबर कैसे हो गई, इसके तो फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो इनके हर फोटॉन की एनर्जी भी क्या होगी ज्यादा, इसके हर फोटॉन की एनर्जी बोलो क्या होगी कम, फिर एनर्जी नेट बराबर कैसे होगी, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। इसके एक फोटॉन की एनर्जी 1 जूल है और इसके एक फोटॉन की एनर्जी बोलो कितनी है, 2 जूल है। सर 2 जूल हो सकती कि नहीं हो सकती, क्योंकि सर उसके हर फोटॉन की फ्रीक्वेंसी बोलो क्या है ज्यादा, तो एच न्यू भी क्या होगा ज्यादा, इसका एच न्यू बोलो क्या होगा कम। लेकिन फिर दोनों 60 कैसे रिलीज कर रहे हैं सर, सिंपल सा फंडा है सर, इसके पास 1 जूल के फोटोन है लेकिन 60 फोटोन निकलते हैं, तो कितनी एनर्जी होगी 60 जूल, एक सेकंड में 60 निकलते हैं। इसके पास भले ही 2 जूल के फोटोन है लेकिन फोटोन से 30 निकलते हैं, फोटोन से कितने निकलते हैं समझ नहीं आ रहा सर, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा सर। इसके पास सर फोटोन्स की एनर्जी ज्यादा है बट फोटोन कम है, इसके पास फोटोन्स की एनर्जी कम है बट फोटोन, तो नेट सेल तो वैल्यू सेम आ जाएगा ना, 1-1 जूल के 60 फोटोन निकालो, 2-2 जूल के 30 निकालो, बात क्या है। तो आपको समझना पड़ेगा जब 60 वोट बोलो ना, तो कलर जो मर्जी हो भाई, ब्राइटनेस इंटेंसिटी नेट बोलो क्या होगी सेम होगी, नेट इंटेंसिटी बोलो क्या होगी चमक उतनी ही मारेगा, समझ लो मेरी बात को बच्चों। वो जो आप सोच रहे हैं लाल दिखे, वो आपको वेवलेंथ के अकॉर्डिंग दिख रहा है, दूर तक दिखेगा। मैं बोल रहा हूं दोनों की ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस इसका उसका सेम होगा सर। तो आप लोग क्या बोलेंगे क्लास प्लीज, आप लोग क्या बोलोगे, इसकी एनर्जी कैसे बोलोगे, आप बोलोगे जो इसकी नेट इंटेंसिटी है बोलो क्या बोलोगे, N1 h nu 1, इसकी बोलो क्या बोलोगे, N2 h nu 2। सुनिएगा और यहां पर मुझे बताओ जरा, हेयर ए यहां पर दोनों की जो नेट एनर्जी है बोलो क्या है, बराबर है, खुशी बराबर क्यों ले रहा हूं मैं, 60 वोट है सर, इसलिए सिंपल है ना, मेन बात बोलो। तो बोलो क्या है, ए इधर भाई रवेश क्यों सर, ये देख N1 h nu 1 इधर आएगा N2। सोचो ना यार ये दो चीजें कैसे बराबर हो सकती हैं, दोनों चीजें कैसे बराबर हो सकती हैं, इसका ये कम है इसका ये ज्यादा है, इसका ये कम है इसका ये, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इसका H nu 2 ज्यादा है, नहीं यार ये बात नहीं, इसका ये H nu 2 ज्यादा है, इसका H nu 1 कम है, फिर भी बराबर आ रहा है। तो सर जिसकी ये H nu 2 ज्यादा है ना सर, उसकी N2 कम होगी सर, उसकी N2, और जिसका H nu 1 कम है ना सर, उसके पास नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा रहे होंगे तभी बराबर आ सकता है। तो इसको मैं कैसे करता हूँ क्लास सुनिएगा, मैंने कहा इसका NHnu उसका NHnu तो बराबर आ रहा है, लेकिन ना तो फ्रीक्वेंसी बराबर है दोनों की, ना नंबर ऑफ फोटॉन्स बराबर है, एच से एच कटेगा बोलो कितना आएगा, सब बच्चे कितना आएगा, बिल्कुल बोर्ड पे नजरें होनी चाहिए, और बताओ कितना आएगा सब बच्चे, ये बिल्कुल बातें करने वाले बच्चे पिटेंगे भाई, mu2 by mu1 अभी बताता हूँ ध्यान से सुन नहीं रहे तुम लोग, अभी बताता हूँ चिंता मत करो, वही समझा रहा हूँ N1 N2 बराबर क्यों नहीं है। क्लास 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 सुनो, अगर बराबर होंगे तो पता लग जाएगा, मैंने ये बात कही, देख भाई ईशब इसके एक फोटोन की एनर्जी H nu 1 है, उसके एक फोटोन की एनर्जी H nu 2 है, और मान लेता हूँ मेरे को नहीं पता बराबर है कि नहीं, मैंने इसके N1 मान लिया, उसके क्या मान लिया N2 मान लिया, तो मैंने बोला इसकी नेट होगी N1 h nu 1, इसकी क्या होगी N2 h nu 2, देख लेते बराबर आएगा नहीं आएगा। तो मैंने कहा लेकिन दोनों 60-60 वोट के, इसका मतलब नेट इंटेंसिटी दोनों के बराबर है ना, वो तो बराबर है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, दोनों 60 वोट के हैं, तो इसका नेट N1 h nu 1 इसका N2 h nu 2 बराबर रखना पड़ेगा भाई, और रखा तो एच से एच कटा, N1 nu 1 बराबर N2 nu 2, N1 by N2 = mu2 by mu1, जरा बताओ इतना तो पता होगा उसकी फ्रीक्वेंसी mu2 ज्यादा है mu1 से, ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं बोलूंगा mu2 तो mu1 से ज्यादा है, और कौन बच्चा बताएगा अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, इतना मैथमेटिक्स तो आता होगा भाई।
तो ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, तो n1 बाय n2 1 से बड़ा आएगा, मतलब n1 n2 से बड़ा होगा। ध्यान से पढ़ लो क्या चीज़ है, अगर फ्रीक्वेंसी दूसरे की ज़्यादा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पहले के ज़्यादा है, समझे समझे। बादल यही कह रहा था फ्रीक्वेंसी दूसरे की ज़्यादा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके ज़्यादा, तभी बराबर हो सकती है दोनों की नेट इंटेंसिटी। नेट इंटेंसिटी एक ही तरीके से बराबर हो सकती है सर, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रह गई मतलब फोटॉन्स की एनर्जी ज़्यादा है तो फिर फोटोन पक्का कम होंगे सर उसके पास, तभी तो बराबर एनर्जी बन पा रही है। आप सोचिए ना, इसके पास इसके पास दो दो जूल के फोटोन, उसके पास एक ही जूल के फोटोन है यार, अगर तू बराबर फोटोन रख देगा शब्द, इसको भी दे दो चार, इसको भी दे 60 फोटोन, इसको भी 60 फोटोन, तो यार हमेशा इसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी सर। लेकिन एनर्जी दोनों की नेट इंटेंसिटी सर बराबर आ रही है, नेट इंटेंसिटी बोलोगे आ रही है बराबर, ऐसा कैसे हो सकता है कि इसका फोटोन ज़्यादा एनर्जी वाला है इसका कम एनर्जी वाला है बट फिर भी नेट इंटेंसिटी बराबर आ रही है? ऐसा तभी हो सकता है जब इसके फोटोन संख्या कम रहेगी और इसकी फोटोन संख्या ज़्यादा हो सके। इसके दो दो जूल के 30 ही हैं, इसके एक एक जूल के 60 हैं, तो बोल दोनों में एनर्जी कितनी बन रही है? 60 ही बन रही है। नहीं आया समझ में, पक्का बताओ भाई, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैंने बोला यहाँ पर N1 इज ग्रेटर देन N2, मतलब रेड बल्ब के पास वो फोटोन्स होंगे बोलो क्या होंगे? ज़्यादा। आप इसको समझने के लिए बोल सकते हैं एक जूल के बोलो क्या होंगे? 60 फोटोन्स। क्या होंगे बोलो? 60 फोटोन्स पर सेकेंड। और इसके बोलो क्या होंगे? ये दो जूल लिखा है ना, तो 30 फोटोन्स पर सेकेंड। लेकिन दोनों की एक सेकेंड में नेट एनर्जी कितनी निकलेगी? ओ भाई, दो दो जूल के 30 फोटोन एक सेकेंड में, गीतांजलि, दो दो जूल के 30 फोटोन एक सेकेंड में, 30 फोटोन एक सेकेंड में, तो एक सेकेंड में कितनी एनर्जी? 60, क्योंकि एक एक फोटोन दो जूल का है, 30 फोटोन 60 जूल के, एक सेकेंड में 60 जूल। इसकी एक फोटोन एक जूल का लेकिन 60 फोटोन निकल रहा है एक सेकेंड में, कितनी बोलो? 60 जूल। सर दोनों का 60 जूल निकल रहा है एक सेकेंड में, ब्राइटनेस दोनों की सेम है। लेकिन सर ब्राइटनेस सेम होने का मतलब ये नहीं होता कि दोनों के फोटोन्स की एनर्जी भी सेम होगी, फोटोन्स की एनर्जी अलग अलग है। अब जिसकी एनर्जी ज़्यादा है फोटोन की उसके फोटोन्स कम है, और जिसकी एनर्जी कम है फोटोन्स की उसके फोटोन्स ज़्यादा है। क्लियर हुआ कि नहीं? अब आप मुझे बताओ जरा, जब कलर सेम होता है आदर्श, जब कलर सेम होता है बट इंटेंसिटी अलग होती है, तो किस चीज़ का फ़र्क होता है? क्या फोटोन्स की एनर्जी का फ़र्क होता है? नहीं सर, कलर सेम है तो सर फोटोन्स की एनर्जी तो सर एच नहीं रहेगी। किसका फ़र्क होता है? सर नंबर ऑफ़ फोटोन्स का। इसके पास नंबर ऑफ़ फोटोन्स ज़्यादा होते हैं, उसके पास नंबर ऑफ़ फोटोन्स कम होते हैं। इज़ दिस फाइन? इसका एन ज़्यादा रहा है उसके एन से। आप कहीं सर पीछे वाले में आपने एच ने बराबर क्यों रख दिए? क्योंकि बच्चों कलर बराबर है, ढंग से सुनते चलो, कहीं भी डाउट क्लियर होएगा। दोनों में यहाँ पर कलर बराबर है। निखिल ऋषभ, कलर सेम होने से फोटोन का एनर्जी बोलो क्या होगा दोनों केसेस में? सचिन सेम होगा, क्योंकि फोटोन की एनर्जी क्या होती है? एच न्यू, और फ्रीक्वेंसी उसकी भी सेम है, उस कलर की भी सेम है, तो फोटोन्स की एनर्जी सर सेम है। लेकिन सर इसके पास नंबर ऑफ फोटोन्स पक्का सर ज़्यादा रहे होंगे। अगर दोनों की एक जूल है बट फिर भी वो ज़्यादा ब्राइटनेस दे रहे हैं एक सेकंड के अंदर, तो उसके पास 100 फोटोन्स निकल रहे होंगे एक सेकंड में, और उसके पास 60 फोटोन निकल रहे होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नीचे वाले में क्या फंडा हुआ भाई? 60 फोट है दोनों का, 60 फोट है, ब्राइटनेस सेम आ रही है सर, लेकिन सर कलर सेम नहीं है। इसकी हर फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होगी बिकॉज ब्लू कलर का बल्ब है, तो हर फोटोन की एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ब्राइटनेस दोनों की बराबर कैसे आ सकती है? तो आप बोलेंगे इसकी हर फोटोन की एनर्जी ज़्यादा है बट फिर N2 कम है, और इसका H1 भले ही कम है लेकिन N1 ज़्यादा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आ रहा समझ में। चलिए क्वेश्चन पूछूं, बताना जरा। 100 वॉट का ग्रीन बल्ब, 'Which bulb has a photons of higher energy?' सोच लो, समय ले लो अपना 2 मिनट का, आसान सा है। लेकिन बस मुझे यही चाहिए कि आप लोग आज इस टॉपिक को अच्छे से कर ले, फिर तो मैं फोटो इलेक्ट्रिक सिखाऊंगा। उससे पहले मैं फोटो इलेक्ट्रिक में नहीं बढ़ूंगा जब तक आपको ये नहीं आएगा।
फिर मैं परेशान रहूँगा, बार बार मैं बल्ब के कलर बदलूँगा, वोल्टेज बदलूँगा, तुम्हें कुछ समझ में आएगा नहीं। आशुतोष आ गया, करेगा तीनों कैंसर, तीनों कैंसर बताएगा। सेम येलो, सुनी थी, आगे समझ में मान्या बताओगे? चलो बताओ, किस बल्ब की इंटेंसिटी ज्यादा है सर? 100 वाट, 100 वाट है सर, सेम इंटेंसिटी, बोथ बल्ब है सेम इंटेंसिटी। गीतांजलि, बोथ बल्ब हैज सेम इंटेंसिटी। गीतांजलि आप बताओगे कौन से बल्ब की फोटोन्स की एनर्जी ज्यादा है, क्यों उसी को बता दो। ग्रीन वाले के फोटोन्स की एनर्जी ज्यादा क्यों है? नहीं, अरे इतने में तो पता लग ही जाता है, उसको बताने दो ना। तो फ्रीक्वेंसी से क्या रिलेशन है फोटोन की एनर्जी का, बोलो बोलो। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से एनर्जी ज्यादा कैसे होगी? आशुतोष तो बता भाई, हवे तो वो लगे नशे में रहता है। कौन से बल्ब के फोटॉन्स के पास एनर्जी ज्यादा है? अच्छा, एक फोटॉन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एच नहीं, एन फोटॉन्स का एनएच नहीं होता है, लेकिन एक फोटॉन का तो एच नहीं होता है ना सर। कृति, अब एच नहीं हुआ एक फोटॉन की एनर्जी, तो उसके फोटॉन की भी एनर्जी एच नहीं, उसकी भी एनर्जी एच नहीं, लेकिन फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा? अगर विबग्योर को मैं पढ़ूं तो विबग्योर में इधर आते हुए फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो ग्रीन की फ्रीक्वेंसी रेड के मुकाबले, येलो के मुकाबले ज्यादा होती है। ग्रीन कलर की फ्रीक्वेंसी येलो कलर के मुकाबले, और जब किसी कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, बोलो। अरे बोलो, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? फोटोन की एनर्जी होती है सर एच नहीं, क्योंकि फोटोन की एनर्जी एच नहीं होती, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो ग्रीन कलर के फोटोन्स के पास जो एनर्जी होगा, बोलो क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ नहीं आ रहा सर, सो बोलो क्या बोलोगे? ग्रीन बल्ब फोटोन्स हैव मोर एनर्जी। अबे कुछ पल्ले पड़ रहा है भाई तुम लोगों को। तीसरा बोलो, किस बल्ब के पास ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स है? क्योंकि सर दोनों ही 100 वॉट के हैं और इसके फोटॉन्स के पास एनर्जी ज्यादा है, उसके फोटॉन्स के पास एनर्जी कम है, लेकिन फिर भी ब्राइटनेस सेम है सर, फिर भी ब्राइटनेस सेम है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? निकल कैसे हो सकता है? उसके फोटॉन्स की एनर्जी कम है, पर फोटोन एनर्जी कम है, लेकिन फिर भी ब्राइटनेस सेम दे रहा है सर। उसके पास फोटॉन्स एक सेकंड में ज्यादा निकल रहे होंगे इसके मुकाबले, पक्की बात है सर। नहीं आ रही बात समझे ना, नवनीत को नहीं आ रही बात। सो बोलेंगे येलो कलर, येलो बल्ब हैज मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स। ओ भाई क्लियर हुआ? क्योंकि ये बात अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि अगर इंटेंसिटी सेम हुई, सभी बच्चों की नजरें बोर्ड पर, अगर इंटेंसिटी सेम हुई 60 वाट 60 वाट, अगर एनर्जी सेम है तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स कम होंगे पक्का सर। क्योंकि अगर उसके हर फोटोन की एनर्जी ज्यादा है बट फिर भी ब्राइटनेस सेम ही दे रहा है, इसका मतलब इसके फोटॉन्स कम निकल रहे होंगे, और उसकी एनर्जी कम है बट फिर भी ब्राइटनेस सेम दे रहा है, इसका मतलब फोटॉन्स ज्यादा निकल रहे होंगे। सुधांशु नहीं आ रही बात समझ में? तो ये चीज जब मैं डिस्कस करूँ ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान, तब गलती मत करना यार प्लीज। मैं जब आप लोगों को बोलूँ ना येलो और ग्रीन, चाहे मैं कितनी भी वोल्टेज बोल रहा हूँ, सौ वोट बोल रहा हूँ, 150 वोट बोल रहा हूँ, तब भी तुम यही बोलोगे येलो और ग्रीन के अंदर, बोलोगे ग्रीन वाले की फोटोन्स की एनर्जी सर क्या होगी? ज्यादा होगी सर, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है सर। फिर नंबर ऑफ फोटोन्स बाद में देखेंगे सर, क्लियर होता है कि नहीं होता। और सेम क्वेश्चन मैं तुम लोगों को अगर ऐसे कर दूं तो तुम कर पाओगे कि ये 100 वॉट का ग्रीन है और ये 200 वॉट का ग्रीन है? अब बताओ तीनों क्वेश्चंस में क्या बदलाव आएगा? अब बोलो कौन से बल्ब की इंटेंसिटी ज्यादा होगी सर? इस बल्ब की इंटेंसिटी ज्यादा, ब्राइटनेस इसकी ज्यादा होगी सर, क्लियर है? इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है सर। ये है एक सेकंड में 200 जूल फेंक रहा है, खनक नहीं आ रही बस में। ये एक सेकंड में 200 जूल फेंक रहा है, वो एक सेकंड में 100 जूल फेंक रहा है, बस
नहीं आ रहा सर। इसमें क्या होगा, विच बल्ब हैज अ फोटोन ऑफ हायर एनर्जी? सर दोनों के फोटोन्स की एनर्जी बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि सर फोटोन्स की एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, और दोनों कलर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है। लेकिन फिर बोलता है कि इसके बाद फोटोन ज़्यादा होंगे सर, क्योंकि सर एनर्जी अगर फोटोन्स की सेम है बट फिर भी एक सेकंड में ज़्यादा ब्राइटनेस फेंक रहा है, इसका मतलब एक सेकंड में फोटोन भी ज़्यादा फेंक रहा है। प्रेरणा नहीं आ रही बात समझ? नहीं आ रही। किसको डाउट है भाई, जल्दी बोलो क्लास में। आपको ये लगा होगा कि बड़ी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, इस चैप्टर के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बस यहाँ पर पैदा होती है और कहीं पर नहीं होती। ये चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन जब तुम ये कलर में डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दोगे ना कि सर जब पावर बदलेंगे तब क्या होगा और जब कलर बदलेंगे तब क्या होगा, तो कलर जब बल्ब के बदलूंगा तो किस चीज़ पर फर्क पड़ता है, फोटोन्स की एनर्जी बदल जाती है सर, और जब पावर बदलता हूँ तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाते हैं, एक तरीके से पावर बढ़ाता हूँ तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाएंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? डाउट है तो मुझे बोलो यार जल्दी, इसके आंसर लिखूं या पता है? पता है पक्का? तो मैंने तुम लोगों को अभी जो बताने की कोशिश करी है ड्यूअल नेचर में, देखो अभी चैप्टर जितना आगे चलेगा ना तुम्हें समझ में आएगा चैप्टर का नाम ड्यूअल नेचर क्यों है, इस चैप्टर के नाम में ड्यूअल दोहरा स्वभाव क्यों लिखा गया है, वो धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन आज तुम लोगों को क्या समझ में आना चाहिए कि हर वेव्स की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक वेवलेंथ होती है जो कि इन्वर्स रिलेशन में होती है, बट सभी वेव्स के बीच में एक चीज़ कॉमन होती है, वो उनकी बोलो क्या होती है, स्पीड, जो सबके लिए कॉन्स्टेंट होती है सी, तो म्यू इज गोस टू सी बाई लैम्डा। हर एक वेव की जो एनर्जी होती है वो अपनी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ द वेव इज इक्वल्स टू में क्या, एच न्यू इज इक्वल टू में एच सी बाई लैम्डा। एवरी फोटोन हैज एनर्जी ऑफ एच न्यू, इफ देयर इज एन फोटोन्स इन द वेव द नेट एनर्जी विल बी एन एच न्यू, द नेट इंटेंसिटी विल बी एन एच न्यू। अब वो डिपेंड करता है कि कलर सेम है तो फिर एच न्यू सेम होगा, फोटोन्स अलग हो सकते हैं, जब कलर अलग है तो एच न्यू ही अलग हो जाएगा, फिर फोटोन्स भी अलग हो सकते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सोच लो दो मिनट तसल्ली से, इसको देखो एक बार, पहले दो मिनट तसल्ली से देखो पहले से, कोई जल्दी नहीं है। अरे आपको नहीं सर, हमें तो है ना, जल्दी देखो इसको। आया समझ में? नहीं आया? हाँ भाई बोलो, डाउट है इसमें कोई? बोलो सब बच्चे, इस केस में कोई डाउट है आप लोगों को? अब ये बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक वेव शुरू कर रहा हूँ आज या नेक्स्ट में करोगे? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, अभी नेक्स्ट में करा दूंगा, लेकिन तुम मुझे, लेकिन ए क्लास ये तो अच्छे से आ गया होगा ना, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, पक्का बताओ? ठीक है, आज कम करेंगे, आज नहीं करेंगे, घर चले जाएंगे सीधे।